हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का डे है 229 और फिलहाल हमें वसई में मैं अपने अंकल जी के वहाँ हूँ, मेरे गाँव से हैं, मैंने बताया था। और बहुत बढ़िया लगा, बहुत मतलब अच्छी नींद आई। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, बढ़िया सोया हूँ आज। और आज यहाँ से मैं जा रहा हूँ फिर से अपने अंकल जी के वहाँ, मेरे गांव के अंकल जी हैं वहाँ पे। वो 2 दिन मैं ऐसे ही अपना बिताने वाला हूँ। और मैंने कल कपड़े दे दिए थे आंटी जी को, उन्होंने कल धुल दिया था कपड़ा। तो अभी बस वेट कर रहा हूँ कि कपड़े सूख गए, क्योंकि बाहर का वेदर कुछ ऐसा है कि मतलब धूप बिल्कुल नहीं है, नमी है, सूखने की जगह कपड़े और भीग जाएंगे। तो यही सब सोच के मैं वेट कर रहा था और अभी यहाँ से निकलता हूँ, अंकल जी के वहाँ जाता हूँ। मतलब मैं क्या ही बताऊँगा, वैसे ही मैं आया हूँ तो घर पे आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। और परसों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्लान्स हैं मेरे, वो मैं बताऊँगा आपको परसों ही। परसों नहीं, मतलब कल 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 की वीडियो में आपको पता चल जाएगा मैं मुंबई घूमने जाने वाला हूँ। और कैसे घूमूंगा ये थोड़ा सा अलग है, इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल हम मिलने जा रहे हैं सिद्धार्थ भैया से। सिद्धार्थ भैया जो कि हमें मिले थे स्पीति में, कंटिन्यू मिल रहे थे और मिल भी गए। मैं दिखाता हूँ। हेलो भैया जी। तो सिद्धार्थ भैया मिल के अच्छा लगा। और मैं यहाँ पहुँचा नहीं था, उससे पहले भैया जी का मैसेज आ गया था कि जब भी महाराष्ट्र में एंटर होना है कॉल कर देना है आपको हमें, बट मैं भूल गया उसके लिए, सॉरी। तो भैया जी ने खुद ही कॉल किया, मैसेज किया, तो थैंक यू भैया जी। और अभी मैं भैया से मिलने आया था। अभी घूमेंगे, वैसे ही घूमेंगे, मुंबई घूमेंगे, सब घूमेंगे। प्लान तो बहुत सारा है, मैंने सुबह ही बोला था जी हमें छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली अंकल जी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने फोर्ट, और ये सब कुछ सडनली प्लान हुआ। तो फिर हम मिलते हैं अंकल जी शाम को रूम पे, और मैं भैया जी के पास शिफ्ट हो रहा हूँ। हाँ, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो फिलहाल मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसके बारे में, तो भैया जी बताएंगे। हम जा रहे हैं एक पानी में फोर्ट है, उसे बोलते हैं अरनाला फोर्ट। तो हमने बंजारे को पिकअप किया है बीच रास्ते से। अभी हम बाइक चेंज करके 10 किलोमीटर और दूर जा रहे हैं, उधर का आगे का वीडियो दिखाएंगे। मस्त सुंदर गोवा जैसा व्यू है, बढ़िया है, देखेंगे आगे। तो भैया जी ने बताया आप लोगों को कि हम फिलहाल जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे। मैं ये लेके आया हूँ साथ में छतरी। अंकल जी ने बोला कि बारिश हो सकती है कभी भी, तो छतरी होना बहुत ज़रूरी है, तो छतरी लेके आया हूँ मैं। और फिलहाल हम जा रहे हैं एक बोट पे जो पानी के अंदर बना हुआ है। तो थोड़ी एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, थोड़ी क्या बहुत है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जो है इस जगह के बारे में जानता हूँ, सुना था मैंने। फिलहाल हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आइस फैक्ट्री है, और ये आइस फैक्ट्री स्पेशल क्यों है भैया जी? ये आइस सप्लाई होता है यहाँ के फिशरमैन लोगों को, फिशरमैन एज इन मच्छी मार हिंदी में क्या बोलते हैं, मछुआरे। यहाँ के जो मछुआरे हैं
उन लोगों को यहाँ से आइस सप्लाई किया जाता है कि वो मछली मार के लाते हैं तो उनको लंबे टाइम तक वो सड़े ना, ख़राब ना हो, इसके लिए जो है बर्फ़ में रखना पड़ता है और वो बर्फ़ पीछे बनती है। और फिलहाल हम जिस मोहल्ले में हैं, जिस कस्बे में है, ये स्पेशली मछुआरों का घर है। यहाँ पे मछुआरों के घर है और यहाँ पे लोगों के रहने का तरीका, खाने का तरीका, इवन कपड़े पहनने का तरीका सब अलग रहता है। इनकी भाषा भी आपस में अलग है, या आपस में कम्युनिकेशन के लिए भी अपना एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं ना, मराठी ही बोलते हैं, पर वो थोड़ा सा उनका वो टोन अलग होता है। तो भाषा तो वही होती है मराठी, लेकिन उनका टोन थोड़ा सा अलग होता है। तो मुझे लगा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी भी हम उसी एरिया में हैं या निकल गए? नहीं, अभी हम जा रहे हैं वो किले के दो और वही एरिया में है। तो फिलहाल हम किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं समंदर के किनारे और हमने अपनी हमने भैया जी ने यहाँ बाइक पार्क कर दी है पीछे, और पीछे समंदर है हमारे, और इसी समंदर में हम जाने वाले हैं। आगे एक किला है किले तक, उसके लिए बोट लेके जाएंगे। थोड़ा बीच गंदा है। हाँ, एक्चुअली मार्केट भी है ना? नहीं, यहाँ आगे पीछे मार्केट, मच्छी मार्केट पीछे था। यहाँ का बीच दमन जैसा है। हाँ, काली मिट्टी का। वो होता है ना कि जाते हैं तो फिर ऐसे बोट के ऊपर से जंप करते हैं पानी में। मुझे वो ट्राई करना है एक बार गोवा जाके। गोवा में करना, इधर ये पानी गंदा है। हाँ, यहाँ पे, हाँ, ये पानी काला है। मैंने दमन में जैसा बताया था ना मटमैला है, वैसा ही पानी यहाँ पे है। बोट आ गई हमारी। मुंबई का कचरा यहाँ आ गया सच में। बहुत गंदगी है, जूते में जाता ही जाता है। नहीं, जूते खराब है कुछ मतलब भैया, सब घुटने तक पानी आ गया और ऊपर। आप ही चला रहे थे ना इसको? भैया के हाथ में कमांड था, वो भी ऐसा ये रस्ते से चला रहे थे। अभी हम दूसरी साइड आ चुके हैं और
इस साइड भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है सब खाने पीने का, वो साइड से ही लेके आया। खाने पीने की चीजें उधर से ही आती है। मैंने देखा वो आंटी जी जो है ना, वो क्या था वो हाँ दूध था, दूध का पैकेट 3-4 पैकेट लेके वो जा रही थी इस साइड। और यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं और किला है। हाँ हाँ चालू है। लास्ट टाइम आप कब आए थे? बचपन में। अरे बाप रे, मतलब काफी थोड़ा से ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछते। और ये छोटा सा टापू बोल सकते हैं, टापू पे हम अभी, जिसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से ये बोट के थ्रू होता है। और यहाँ हम जा रहे हैं किले पे, किला ढूंढते ढूंढते जाना है, क्योंकि भैया जी यहाँ जब आए थे लास्ट टाइम तब भैया जी बहुत छोटे थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार घर कैसे बने होंगे, ईंट वगैरह कैसे आया होगा। इतने प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे। और यहाँ के लोगों के जीविका का साधन वही है ना, फिशिंग। फिशिंग से ही जो है यहाँ के लोगों की लाइफ चलती है। क्या दुकान भी है, क्या बात है। इवन नेटवर्क भी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत दूर हम हैं नहीं। हाँ बहुत दूर हैं नहीं हम। और हम अभी किले के पास पहुंच चुके हैं। ये किले का एक साइड है जहां से किला स्टार्ट हो चुका है, और किले के बगल में ही घर है। नेट वगैरह सब यहां पे रखे हुए हैं फिशिंग के लिए। यहाँ एक मंदिर है परमपूज्य, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, प्रार्थना घर बोलते हैं। माता कुछ लिखा है, मावला माता। हाँ मावली माता, मावली क्रिश्चियन है। हाँ मावली हम लोग मदर मेरी, हाँ हाँ जो है, हाँ जीसस की माँ, हाँ उसको मावली बोलते हैं। ये उनका है। हाँ ये सारे बोर्ड पुराने होके खराब हो गए ना। हाँ। नहीं नहीं ये अभी डाले नहीं है अंदर। हाँ। बारिश में जो बोर्ड निकालते हैं। हाँ। वो वापस अंदर गए नहीं। अच्छा ये इधर हाई साइड आएगा ना। हाँ। तभी ये बोर्ड पानी में जाएंगे बोर्ड। अच्छा ये पानी में ये, अच्छा हाई टाइड, हाई टाइड जब भी आता है ना तभी इधर तक आएगा, तो ये पानी में आ जाएंगे फिर तो निकाल सकते हैं। हाँ, तो हाँ समुद्र से एक चीज और है, यहाँ ना हाई टाइड और लो टाइड होता है। हाई टाइड में क्या होता है कि पानी का लेवल बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा, बोलते हैं ना। हाँ। तो फुल मून और नो मून में, हाँ, जो 21 दिन होते हैं। हाँ। आम्ही किल्ल्यात चालले, इकडूनच घुसायचं का। हाँ हो तो हम आगे की तरफ जा रहे थे उधर, तो भैया जी लोगों ने हेल्प की, बताया ये गेट है। हाँ
बाकी के भी और भी गेट थे जहाँ पे अंदर ये म्यूजिक का आवाज आ रहा है तो कोई कोई लोग जो रहते हैं प्रैक्टिस करते हैं। और ये एंट्रेंस है इस किले का, सच में कैसे किले बनाते होंगे लोग उस टाइम पे, कितना टफ काम कर। ओ कितना सुंदर, पूरा पत्थर का बना हुआ है, इतने भारी भारी पत्थर ला के यहाँ पे किला बनाना। तो किले के अंदर तो बहुत झाड़ी बढ़ गई है। हाँ नहीं है। इवन खेती भी है, लोगों ने खेती कर रखा है। ये मंदिर है, किले के अंदर मंदिर, क्या बात। और तो बाद में हाँ बनाया है शायद से, इधर से ऊपर जाना है। अच्छा इधर से ऊपर जाना है, नहीं मतलब नीचे से भी देख हाँ। सकते ऊपर से भी थोड़ा हायर व्यू मिलेगा। जो यहाँ से वसई जाती है सीधा, ऐसे लोग बोलते हैं हाँ। वो कितना सही है कितना गलत क्या है? और वसई किले में हाँ। उधर थोड़ा बहुत अंदर जाके लोग दिखाते हैं, जो क्या बोलते टूर गाइड होते हैं हाँ। वो महीने में एक दिन एक रहता है हाँ। जब भी वो साइड की गुफा में थोड़ा घुसा के दिखाते हैं, पर वो पूरा इधर तक नहीं आता है। अरे वही तो, नहीं हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे ना कुछ भी करते थे, इतना बढ़िया इंजीनियरिंग ये सारी चीजें थी। मतलब सोचिए हाँ। इधर से पानी के नीचे से 15 किलोमीटर दूर टनल बांधा ऐसे बोलते हाँ। तो भाई अभी मतलब यहाँ ऐसे पत्थर यहाँ लाना उस टाइम पे बोर्ड पे रख के, कितने भारी भारी पत्थर, ये पत्थर भी लग रहा है उसी टाइम के होंगे रखे हुए शायद। तो ऐसे पत्थर लेके आना उनसे इतनी बड़ी जो है एक इमारत खड़ी कर देना बहुत बड़ी बात होती है। और हम अभी किले में हैं, किले के बीच में एक कुआं दिखा और इंक्वायरी करने पर पता चला कि इस कुएं का पानी मीठा है। चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ ये इलाका जिसमें ये किला बना है और उसमें एक कुआं है, कुएं में मीठा पानी आता है और अभी भी यहाँ का पानी ही पीते हैं यहाँ के लोग। तो बढ़िया लगा देख के, जान के अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। और यहाँ पे मंदिर है, यहाँ दरगाह है, उधर एक और मंदिर है, एक चर्च हो जाता है यहाँ पे। चर्च तो ऐसा बाहर ही था लेकिन यहाँ भी हो जाता है एक चर्च और एक गुरुद्वारा, तो मज़ा ही आ जाता। ये क्रेन समंदर के दूसरी साइड है, मतलब यहाँ इसको लेके आया गया है। भैया जी ये क्रेन कैसे आया होगा? सच में मतलब सोचने वाली बात है। अच्छा वो पत्थर, हम वहाँ पे एक पत्थर है बीच में, वो पत्थर ढूंढते ढूंढते इसके दूसरी साइड चले गए थे, वहाँ पे भी नहीं दिखा। हम ढूंढ रहे वो पत्थर कहाँ गया कहाँ गया। ये पूरे घर बने हुए हैं, थोड़ा ऊंचा एक प्लेटफॉर्म जैसा है, उसके ऊपर लोगों के घर हैं और नारियल के पेड़ हैं खूब सारे। सुंदर जगह है, आप अगर घर से बाहर निकलते हैं कुर्सी लगा के बैठी है, सामने समंदर है, समंदर के उस साइड आपको फिर बीच दिखेगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वसई सिटी है और पूरा जो दिख रहा है ना हाँ। ये अपना बीच के ऊपर से कोस्ट है हाँ। मतलब जहाँ हम जाएंगे वो साइड हाँ।
वहाँ से 15 किलोमीटर ऐसे दूर वसई का कोस्ट है, पूरा चल सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते वहाँ तक। मैं सच में बता रहा हूँ, अगर यहाँ के लोग चाहें तो एक बहुत बढ़िया टूरिस्ट मतलब ऐसा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन हो सकता है, लोग यहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए। बस इनको क्या करना है ना, इस जगह को थोड़ा साफ रखना है, आपस में सहमति बना के थोड़ा सा ना थोड़ा सब कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे लोग यहाँ आए उनको थोड़ा सेफ फील हो और वो यहाँ पे होम स्टे जैसे रूम हो उसमें रुक सकें, क्योंकि हर कोई चाहता है थोड़ा इस तरह का फील हो, ऑफ बीट, कि बाहर निकलें समंदर दिख जाए ये वो। नहीं बड़ी तो ये होना चाहिए, पर क्या है इधर की जो लोग हैं उनको कनेक्टिविटी नहीं है मेन सिटी से, तो उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। जैसे अभी देखेंगे इतनी छोटी सी बोट है उस पर सब उनका सामान आना जाना होता है, तो वो लोग क्या क्या करेंगे, खुद का देखेंगे या कोई होम स्टे में जो रहेंगे उनका देखेंगे, खुद की उनकी नीड्स पूरी नहीं होती है तो वो दूसरों के लिए क्या करेंगे। ना ये तो है, लेकिन वही चीज है, लाइफ है, क्योंकि ये समुंदर के बीच में है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा प्रोविजन किया ट्रांसपोर्टेशन का तो बेहतर हो बात हो सकती है। इवन जो ये काम चल रहा है थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि अगर जल्दी हो तो गवर्नमेंट से ही होता, गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा सा बेहतर कर सकती तो है। वही शायद से काम चालू है, बड़ा जेटी बनाने का है, तो बड़ी बोट्स आ सकती है जो सामान वगैरह इनको पहुंचा पाए, क्योंकि टफनेस तो है। देखिए लाइफ में तो बहुत टफनेस है, इवन पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनकी भी लाइफ भी देखिए, हमने तो देखा ही है इतने करीब से, उनकी लाइफ भी कितनी टफ है। और वो जो पास था स्पीति से वो लोसर से मनाली तक का जो 70 किलोमीटर का पास था, वहाँ कितना टफनेस है, मतलब वहाँ पे जो बारिश होती है तो कुछ नहीं कर सकते, अच्छे रास्ते ही नहीं, रास्ते रहते ही नहीं है उधर। हाँ, यहाँ तक लोग बोल रहे थे ना रास्ते ही बदल जाते हैं, अभी रास्ता कुछ और है फिर बाद में रास्ता कुछ और हो जाता है। ये बोट चालू हो रहा है, बोट के अंदर इंजन है। और हमारी बोट घूम गई है 360 डिग्री। गियर लग गया है और ये एक्सेलरेटर है अंकल जी के हाथ में। और फिलहाल भैया जी हमें बड़ा पाव खिलाने लेके आए, तो हम बड़ा पाव खा रहे हैं। आए और बड़ा पाव नहीं खाया। नहीं, कल भी भैया ने बड़ा पाव खिलाया था जहाँ रुका था मैं अंकल जी ने, तो अभी बड़ा पाव खाते हैं और हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे आगे की तरफ। मुझे आगे जाना है घर पे जहाँ पे मैं अंकल जी के वहाँ हूँ, वहाँ से बैग लेना है, फिर दूसरे अंकल जी के वहाँ जाना है। तो फिलहाल मेरा कैमरा भी डिस्चार्ज है और स्पेस भी नहीं है, तो आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो किला अच्छा लगा होगा, किले के नाम पे वैसे फेंसिंग है बट अच्छा है। हमने एक जगह ढूंढने की कोशिश की, बाद में मिला जब हम वापस आने लगे, तो अच्छा लगा भैया जी। नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश है तो पानी ज़्यादा है, लेकिन अच्छा लगा सच में, मज़ा आया और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया भैया जी की वजह से। और फिर परसों मिलेंगे, घूमेंगे, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और भैया जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अभी परसों मिलेंगे, जाएंगे मुंबई दर्शन करेंगे, साइकिल पे करेंगे या टैक्सी या जो भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करेंगे, देखा जाएगा, परसों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।